और अब ज़िमनी इंतखाब 2018 की बात कर लेते हैं। लाहौर के चारों हलकों के उम्मीदवारों की फहरिस्तें अवेजा कर दी गई हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्तें रिटर्निंग अफसर के ऑफिस के बाहर अवेजा की गई हैं। N124 से 32, N131 से 41, PP164 से 32, जबकि PP165 से 32 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली से। अरशद अली, ये बताइएगा कि उम्मीदवारों की फहरिस्तें अवेजा कर दी गई हैं, अब स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा? जी बिल्कुल, उम्मीदवारों की जो है वो लिस्टें अवेजा कर दी गई हैं। NA 124 से साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, आवद शेर अली समेत मुस्लिम लीग नून की जानब से 6 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि NA 124 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो है वो नुमान कैसर, मोहम्मद खान मदनी, गुलाम मोहुद्दीन दीवान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कुल NA 124 से जो है वो 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल आए हैं, जबकि NA 131 की अगर बात करें तो NA 131 में कुल 41 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानब से ख्वाजा साद रफीक, गजाला साहब, मियां मरगूब अहमद, कमल नुमान, राबिया फारूकी, उजमा बुखारी समेत 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ की जानब से वलीद इकबाल, हमायूं अख्तर, किरण अलीम, अजरारुल हक समेत 5 उम्मीदवार और 4 हल्कों के उम्मीदवारों की फहरिस्तें अवेजा कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अली।